मेवा अर्शद सदीकी गंदारा हिनको टीवी स्टूडियो से आज दी ताज़ा खबरें सुनो। सबसे पहले खबरों का खुलासा, वफाकी काबीना का इजलास, 10 साल के बैरूनी कर्जियां दे आडिट का फैसला। सुप्रीम जुडिशियल कौंसल की सिफारिश से जस्टिस शौकत सदीकी ओहदे से हटा दिता गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बरतानिया का दौरा, जिस बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ न मुलाकात की गई। गवर्नमेंट आंदे ही मुल्क माशी सुनामी ले आईए, बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब। जर मुबादला के जखायर 15 अरब डॉलर की 87 तले आ गए। उन खबरों की तफसील, वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम इमरान खान साहब की जेर सदारत मुनक़द होया, जिस माशी सूरत हाल की बेहतरी के इकदाम IMFC रुजू करने के हवाले नाल काबीना नू एतमादित लिता गया। वफाकी वजीर इतलात फवाद चौधरी साहब ने किया कि हुकूमत ते तनकीद करने वाले की जुर्रत ते हैरान आ कि जड़े मौजूदा हालात के जिम्मेदार हों उन्होंने मुकदमा चलना चाहिए। इस हवाले नाल पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए कि गुज़िश्ता 10 साल मुल्क की माशी हालात का जिम्मेदार कौन आया। सुप्रीम जुडिशियल कौंसल की सिफारिश से हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी नू ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। सुप्रीम जुडिशियल कौंसल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शौकत अजीज सदीकी नू ओहदे से हटाने की सिफारिश सदर मुमलिकत साहब नू अरसाल की, जिसनों उन्होंने मंजूर कर लिता, जिसके बाद जस्टिस शौकत नू ओहदे से हटा दिता गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नाल मुलाकात की, जिस जनूबी एशिया के अमन इस्तेकाम समेत मुख्तलिफ उमूर ते तबादला ख्याल किया गया। पीपल पार्टी के चेयरमैन बुलावल भुट्टो जरदारी ने किया कि हकूमत ने आंदी मुल्क माशी सुनामी ले आंदी है, जबकि महंगाई का तूफान बरपा करके आवाम नू परेशान कर देता वे। शहर कायदे पीपल पार्टी के रहनुमा नवीद कमर की रिहायशगाह पीपल पार्टी का अहम इजलास मुनक़द होया, जिस दे बाद मीडिया नाल गल करते हुए चेयरमैन पीपल पार्टी बुलावल भुट्टो साहब ने हकूमत ते कड़ी तनकीद की, उन्होंने महंगाई के सुनामी का जिम्मेदार करार दिता। रवां हफ्ते जर मुबादला के जखायर 10 करोड़ डॉलर की कमी वाकया हुई, जिस दे बाद जखायर 15 अरब डॉलर की सतह से भी तले आ गए। मुल्की जर मुबादला के जखायर कमी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 1 हफ्ते के दौरान जर मुबादला के सरकारी जखायर मजीद 10 करोड़ डॉलर की कमी देखने चाहिए, जिस दे बाद मुल्क के मजमूई जर मुबादला के जखायर 15 अरब डॉलर से भी कट के 14 अरब 85 करोड़ 21 लाख डॉलर की सतह पर आ गए। आज की खबर खत्म हुई, नवी खबर नाल वत हाजिर हो सियां। शुक्रिया।